हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फराज कुकिंग चैनल में आज हम अफगानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी बनाएंगे। इसको हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अफगानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी बनाने के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन 1 kg, प्याज 2 मीडियम साइज के कटे हुए, 1 कप योगर्ट दही, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर और 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 4 से 5 अदद ग्रीन चिली, हमें फ्रेश कोरिएंडर धनिया चाहिए होगा, इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, हाफ कप हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज की पेस्ट बना लेते हैं, साथ ही इसके ग्रीन चिली डाल दें। इसके अंदर कटा हुआ धनिया भी डाल दें। पेस्ट तैयार हो चुकी है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब दही के अंदर ये सारे स्पाइस शामिल कर दें। दही में स्पाइस डालने के बाद ये दही चिकन में शामिल कर दें। हीट ऑन करने के बाद बर्तन के अंदर ऑयल डाल दें। अब ऑयल के अंदर जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल दें। अब 2 मिनट के लिए जिंजर और गार्लिक को ऑयल के अंदर भुनने देंगे ताकि इनकी स्मेल खत्म हो जाए। अब इसके अंदर प्याज, ग्रीन चिली और कोरिएंडर का जो मिक्सचर था, जो पेस्ट थी, वो शामिल कर दें। प्याज और जिंजर गार्लिक को पहले भूनने से इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब इस मसाले के अंदर चिकन को निकाल के शामिल कर दें। बच जाने वाली दही के अंदर हम 1 कप दूध डाल देंगे, या आप चाहें तो 1/2 कप इसके अंदर हैवी क्रीम डाल सकते हैं मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये डालकर हम भुने हुए चिकन के अंदर इस दही को शामिल कर देंगे। अब 10 मिनट के लिए हम चिकन को भुनेंगे इस मसाले के अंदर। चिकन को मसाले में भुनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये गोल्डन होना शुरू हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस दही के अंदर 1 कप दूध डाल दें। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो मज़ीद इसके अंदर दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप मज़ीद इसके अंदर दूध शामिल किया है। हीट को मीडियम कर दें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दें, फिर ये प्रॉपर कुक हो जाएगा। हीट को ऑफ कर दें। अफगानी चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी है, इसको आप नान और रोटी या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको इसी तरह बनाएं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं पड़ते, थोड़ा सा इसके ऊपर कटा हुआ धनिया और ग्रीन चिली डाल दें। उम्मीद है कि आपको चिकन की ये रेसिपी पसंद आएगी, इसको इसी तरीके से बनाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।